ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharsahi.com। बचपन इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल। करवाए अपने बच्चों का फ्री नामांकन। पता DDC आवास के पीछे, नालंदा हेल्थ क्लब रोड, एतवारी बाजार, बिहार शरीफ, नालंदा। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.bachpanplay। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडिया सिटी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ अश्मिता तिवारी। शहर में 13 टीकाकरण केंद्र चल रहे हैं जिसमें 18 वर्ष वाले भी और 45 वर्ष वाले भी हैं, और आज से 2 टीकाकरण केंद्र नए चालू किए गए हैं। पहला मुकुंदी चौधरी विद्यालय और दूसरा MLA एकेडमी। इन दो स्थानों पर सभी का टीकाकरण किया जा रहा है। जो लोग टीकाकरण नहीं करवाए हैं वह लोग टीकाकरण करवा लें। टीकाकरण इस कोरोना महामारी बीमारी को समाप्त करने में अति आवश्यक है। जो लोग पॉजिटिव हैं उनके इलाज हेतु DMCH में किया जा रहा है एवं 18 निजी अस्पतालों में हो रही है। टीकाकरण केंद्र पर सरकारी कर्मचारी की जो शिकायत है उसे जल्द दूर किया जाएगा, क्योंकि आज से नया टीकाकरण केंद्र चालू है। यहाँ की शिकायतें को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। दरभंगा से राजू सिंह की रिपोर्ट। शहर में 13 टीकाकरण केंद्र चल रहा है, 18 प्लस वाले भी और 45 प्लस वाले। आज से 2 स्थलों पर नया टीका केंद्र प्रारंभ हुआ है, एक मुकुंदी चौधरी विद्यालय जहां हम लोग हैं और दूसरे MLA एकेडमी। इन 2 स्थानों पर 45 प्लस वाले जिसका फर्स्ट डोज है, सेकेंड डोज है, सभी लोग टीकाकरण करवा सकते हैं। और जो भ्रांतियाँ बहुत लोग फैला रहे हैं, भ्रांति नहीं फैला रहे, टीकाकरण इस कोविड महामारी को समाप्त करने के लिए अति आवश्यक है। और जब 2 टीका पड़ जाएगा या अगर टीका पड़ने का कोई पॉजिटिव भी होता है तो वेग कम होगा, उनको नुकसान कम होगा, इसीलिए टीकाकरण जरूर करावें लोग। और सभी जगह टीकाकरण केंद्र प्रारंभ किया गया, अब 18 प्लस के लिए परसों से ही चालू हुआ है। 18 प्लस में थोड़ी भीड़ है लेकिन वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अभी और भी आगे जाके 18 प्लस का भी हम लोग सेंटर बढ़ावेंगे, 45 प्लस का भी सेंटर बढ़ रहा है। सभी लोग समय पर जरूर टीकाकरण करावें और जो सरकारी नियम है COVID-19 का उसको भी पालन करें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, हर हालत में दूरी मेंटेन करें, जागरूकता करें। जागरूकता से ही कोविड पर विजय प्राप्त की जा सकती है। और सभी नौजवानों से मैं अपील करता हूँ, सभी लोग सोशल मीडिया पर हैं, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, सोशल मीडिया पर नकारात्मक खबरें नहीं डालें, सकारात्मक खबरें डालें, अच्छा प्रचार प्रसार करें, सभी लोग टीकाकरण करावें इसका प्रचार डालें, सोशल डिस्टेंस करें, अनावश्यक घरों से नहीं निकले, क्योंकि कोरोना COVID-19 महामारी पर विजय हम जन जागरण, जागरूकता और टीकाकरण से ही प्राप्त कर सकते हैं। और जो पॉजिटिव हो गए उनके लिए भी DMCH में भी 120 बेड है, कल परसों से और चालू हो जाएगा बेड। जिला स्कूल के कैंपस में जो सरकारी शिक्षा विद्यालय का भरा भवन है वहाँ भी आइसोलेशन सेंटर है। 18 निजी अस्पतालों में कोविड का इलाज चल रहा है। सभी प्रखंड स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड के लिए अलग से 10-10 बेड सुरक्षित किए गए हैं, वहाँ भी ऑक्सीजन की व्यवस्था है। और घर में भी रह के आइसोलेशन घर में भी करके आप कोविड पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ आए हैं, ANM ने कई प्रकार की शिकायतें बोली हैं, सैनिटाइजर हो या ग्लव्स हो। मैं इसीलिए जा रहा हूँ कि आम लोगों की जो शिकायतें हैं वो, और जो टीकाकरण कर्मी हैं उनकी जो समस्याएं हैं वो, इसीलिए ना मैं आया हूँ। फिर उसको कल से समस्या नहीं होगी, मैं खुद जा रहा हूँ सभी जगह कि आम लोगों को क्या दिक्कत हो रही है, या जो टीकाकरण कर्मी है हमारे उनको क्या समस्या है, जो समस्याएं पता चलती है फिर दूसरे दिन से उसको ठीक कर दिया जाएगा। पहला दिन है, पहला दिन में थोड़ी बहुत समस्या होती है, कल से फिर ठीक होती है।